आप लोग यहाँ पर इतने सालों से मत बोलो कि हम लोग बाहरी कोई नहीं है, यहाँ के ही नहीं है आप लोग, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं, तो यही क्या है। और आप सबने देखा है अभी लास्ट 5 साल से जब से नया प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल आया, हमारे प्रदेश की हालत क्या है और हमारी जनता की हालत क्या है आप लोगों से छुपी हुई है। अभी अभी मुझे वो बताया कि यहाँ की सारी दुकानें तोड़ दी, ऐसा आपके यहाँ किया। हमारे दीव में जाओ, दीव में बस स्टैंड वहां पर बेचारे 25-30 साल से लोग रहते थे आपके जैसे लोग, वहां पर सारी दुकानें तोड़कर ध्वस्त कर दिया और उनको वहां से भगा दिया। हमारे दमन में टैक्सी स्टैंड है, उसके सामने बाजार, मेरी बात गलत है तो आप वहां जाए पूछिए, वो वहां बाजार तोड़ी तो हमारे वाले तो सब प्रॉपर लंदन चले गए, जो दुकान के ओरिजिनल मालिक थे वो तो लंदन है। तो क्या किया हम लोगों ने कि लंदन गए तो आप लोगों जैसे देखेंगे दुकान, वो 20-25 साल से दुकान चला रहे थे, जब तोड़ने की बात आई तो वो सब तो के बाहर उनको बाहर कर दिया। हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, कि हमने रैली भी नहीं करी, तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं वो तो लंदन वाले थे, तो लंदन वाले नहीं हुए तो फिर दुकान नहीं मिलेगी। तो हमने बोला भाई वो लंदन चले गए, मगर ये लोग तो 20-25 साल से रेंट भर रहे हैं, आपके पास टैक्स की रसीद है, सब कुछ है, तो इनको दो। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऑक्शन ये टैक्स भी उन लोगों ने 300 रूपये का डायरेक्ट 6-6 हजार मनमानी है। और अभी तो ऐसा कि अभी मुझे किसी ने बताया तो मुझे दुख हुआ कि थैली के लिए, पॉलिथीन की थैली के लिए उसमें भाई ऐसे लोगों को जेल में बैठा गया था कि जिन्होंने कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा, एक ने भी नहीं देखा किसी ने भी, सबको ये इस्लाम लोग सब गए थे उनको, फिर एफआईआर करके एक थैली के लिए। जब वो मैं बुराई नहीं करता, मगर जब मोदी जी का बर्थडे था तो वही पॉलिथीन में जब इनाम दो तो चलता है। ये लड़ाई भाजपा कांग्रेस की भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि किसी से काम से है ना, जब हम काम करते हम घर चलाते तो हमसे भी गलतियां होती, नहीं होती है। हमारे में कहा हुआ था भाई घर चलाते घर नो वेरी, तो होता है, ऐसा हुआ होगा कि भाई मोहन भाई से भी कुछ गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, आदमी ने बहुत सारा किया है, पर आप दिल से सोचो क्या उन्होंने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, इतना कुछ किया है। और ये वक्त ये भाजपा कांग्रेस शिवसेना की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तानाशाही के खिलाफ की। अगर प्रशासक आप भाजपा वाले के पास आइए, चलिए उनके पास जाओगे तो एक ही डायलॉग मिलेगा कि साहब हमारी सुनता नहीं, हम क्या करें। अब नगर पालिका में भी जाओ ना, राकेश भाई की कौन सुनता है, वो सीओ जो बोलता है वो फाइनल है। अब दूसरी बात क्या करना, राकेश भाई लोगों की खुद की स्कूल तोड़ दी, क्या हुआ मुझे बताओ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये स्कूलों को भी नहीं छोड़ता, तो कहने का मतलब ये है कि अभी भाजपा कांग्रेस शिवसेना की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है तानाशाही के खिलाफ। अभी हम लोग वोट करेंगे ना, भाजपा को वोट करेंगे तो मतलब है तानाशाही को वोट करना। और आपको क्लियर कह रहा हूँ, मोहन भाई लास्ट टाइम जीते थे, उसके बाद सिंपति भी है तो कला बहन आराम से जीत रही है, मगर उनको ऐसे मार्जिन से हराओ ताकि दिल्ली वालों को भी पता चले कि यार ये प्रफुल्ल भाई पटेल ने इतना सत्यानाश कैसे कर दिया कि 50-60 हजार से लोग आ रहे। हो सकता है ये हार जाए तो कम से कम ये यहां से पाप हट जाए। अरे आप सोचो, एक इंसान की तरह सोचो, एक आदमी को इतना मजबूर किया जाए कि वो सुसाइड करे। और बताओ, एक मोहन भाई सुसाइड किया सर, भैया SS भैया जी ने किया, जिग्नेश काछिया ने किया कि नहीं किया। ये लड़ाई मानवता की, यार इतना इतना ऐसा कैसे आदमी कर सकता है। आप दमन देख लो, जीव देख लो, दादरा नगर हवेली देख लो, छोटे से छोटे आदमी को परेशान किया जाए, सब कुछ सत्यानाश, विकास विकास की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, आप यहां से वापिस जाते हैं ना, रोड की हालत क्या है यहां से, आप सीधा हम लोग अभी मंदूर ही गए थे वहां, आप जाके देखो। एक लड़का ऐसे मार्केट का, उसका दुकान है रखोली में, सब्जी बेचता था, वो आलोक के गेट के पास उसकी बाइक खड्डे में गिर गई, और खड्डे में गिरी और लड़का गिर गया, सर पे चोट लगा, कार में आईसीयू में था, उसकी मौत हो गई, 18 साल की उम्र नहीं हुआ उनके, शादी लग के लगा था उसकी शादी। और उन माँ बाप की क्या हालत होगी। और अभी आप देखो तो पुलिस वाले हमारे बाइक का वो कुछ नहीं, पुलिस वाले आतंकवादी पकड़ना है ऐसा खड़ा रहता है। सुबह आदमी निकलता है, शाम तक पहुंचता है ना, तो 300 रूपये कमाता नहीं, और 1000 रूपये हो गया अभी, 1000 रूपये का पेनल्टी, 1000 हो गया। अरे यार, दादरा नगर हवेली है कितना, और बाइक कौन सी फास्ट चला नहीं, कौन सा तुम लोगों ने वो हाईवे रोड बना रखा है कि आदमी फास्ट जाएगा, मुझे बताओ यार। रसीद भाई अभी 10 हजार तो भर के आए, पूछो ना। तो ये प्रदेश की हालत बद से बदतर हो रही है। और इस बार है ना, मैं तो कह रही हिंदुत्व, अरे हम भी हिंदू ही है ना यार। मेरे दमन में आओ, दमन में 3 मंदिर टूटे, एक भी भाजपा वाला नहीं निकला, मैंने तीनों बार मैंने वहां पर
बिरला क्या मैंने विरोध किया। यहाँ भी आपने मंदिर हटा दिया, क्यों हटाया? सिर्फ आयन शॉप के लिए, शिव भगवान का मंदिर तोड़ा हुआ यार। देखिए, किसी के आड़े में आकर धर्म के आड़े में आप छिप नहीं सकते। आज पेट्रोल का हालत क्या है, डीजल की हालत क्या है, आपके घर के गैस सिलेंडर की हालत क्या है, वो उस पर कोई नहीं बात कर रहे हैं। प्रशासक की कोई भी बात करो, अभी बोलते हैं मेडिकल कॉलेज। अच्छा, आप दिल पे हाथ रख के बोलो, मेडिकल कॉलेज अभी कहाँ चल रहा है? मेडिकल कॉलेज चल रहा है अभी मोहन भाई के उसमें, दो साल से एक रुपए के भाड़े के बिना। तो मोहन भाई का इसमें योगदान नहीं है। आज अब कोरोना काल में सबसे ज्यादा दुखी आप लोग हो रहे हैं। क्या हॉस्पिटल में इलाज था? अभी भी आंकड़ा निकालो तो तीन आदमी ही मरे हैं। और केंद्र सरकार की इतनी सारी स्कीम्स है वो मरे हुए लोगों के बच्चों के लिए, आज हमें उसका नुकसान नहीं हो रहा है भाई? सब ने अपना कोई ना कोई कोई ना कोई, आप ऐसे दिल पे हाथ रखो और बोलो कि आप जानने वाले पहचानने वाले में आपके यहाँ कोरोना में कोई नहीं मरा, मुझे बताओ। ये अभी क्या है कि भाजपा कांग्रेस अभी सब अभी आप देखो तो दमन वाले हमारे यहाँ आके लगे हुए यार। यहाँ से सचिवालय चला गया, अब तो आप लोगों को कुछ भी काम कर रहा था दमन जाओ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र हैं उनको मैंने पूछा, यार तुम लोग में सेंस जैसी चीज है कि नहीं? हमारे यहाँ प्रदेश प्रमुख जो होता है रूलिंग पार्टी का, वो मुख्यमंत्री के समान होता है, उसका पावर मुख्यमंत्री के समान है। तो प्रदेश प्रमुख तो कम से कम यहाँ बनाते, वहां तो सांसद लालू भाई था ही, सबसे बड़ा प्रदेश तो ये है मर्ज होने के बाद। तो प्रदेश का प्रमुख कौन होना चाहिए? नटू भाई था, पतू भाई था, कोई नहीं है यात्रा अंदर हवेली में। दीपेश टंडन को आप लोगों में से किसने देखा है भाई, बताओ? जानते हो आप? जानते हैं महिला प्रमुख सिंपल काटेरा। हम दमन दीव में साथ में थे पहले, तो हमारे यहाँ प्रदेश का प्रमुख हमारे दमन में ही बना, कभी दीव में नहीं बना, महिला का भी नहीं बना, क्योंकि जो प्रदेश बड़ा होता है वहां उसको चांस मिलता है। तो यहाँ की जनता को न्याय मिलना चाहिए। और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर वॉइस था, क्योंकि लालू भाई सांसद बने हुए थे, यहाँ तो मोहन भाई जीता था तो भाजपा तो ऑलरेडी हारी हुई थी। तो आज कल वो सीआर पाटिल आए, सीआर पाटिल जी बोल बोल के गए कि नटू भाई ने ऐसा काम किया वैसा काम किया, तो नटू भाई को कम से कम राज्य परिषद का अध्यक्ष तो बना दे। ये जो स्थिति हमारे प्रदेश की है वो काफी लोग बोलते हैं बाहरी इधर इधर, कौन होता है बाहरी? जो सुबह आता है शाम को चला जाता है। ये हमारे भाजपा वाले ना, हमारे यहाँ छठ पूजा होती है, आप मेरे वीडियो उठा के देखना, आखिरी पांच छठ पूजा का वीडियो उठा के देखना, हम लोग वहां पर छठ करते हैं मेरे गांव में। हमारे भाजपा वाले वहां पर बोर्ड लगाए कि यहाँ उत्तर भारतीय को भैया लोगों को यहाँ छठ पूजा नहीं करना। मैं बोला भैया मतलब क्या होता है इसमें? तो मतलब तू ही कहीं पे आ जाता है, तू राजनीति करता है, भैया लोगों को सपोर्ट। मैं बोला भैया पहले बात बोलना बंद करो। मतलब क्यों भैया बोल रहा है? तो यूपी बिहार का इसलिए। तो मैं बोला रामजी कहाँ का है? रामजी कहाँ का है? अयोध्या के। बराबर है। कृष्ण जी कहाँ के? मथुरा। सुनने जैसी है। वो राम और कृष्ण जब यूपी में पैदा होकर वो भैया नहीं है हमारे भगवान, तो वहां के लोग वहां के वंशज भैया हो जाते हैं। लोगों की इनकी सोच जो है ना, अभी अजय देसाई का वो वीडियो देखना, एक कोई पत्रकार को धमकी दे रहा है, उसमें क्या बोलता मालूम? जो बाहर का आया ना तो बाहर की तरह रहना, गाड़ दे गाली तो छोड़ दो, मैं वो गाली नहीं बोल सकता। मतलब क्या बोल रहा है? तुम लोग बाहर के हो तो बाहर के रहना। मतलब क्या? हमारा खून पसीना यहाँ बहता है, हमारी ये कर्म भूमि है। अरे यहाँ से इंडस्ट्रीज इसलिए चल रही है कि वो बाहर से आके यहाँ लोग काम करते। अरे बाहरी अंदरी, अरे हम हमारे दमन की बात करता हूँ। हमारे दमन दीव से हमारे दमन की मुख्य जनता जो है 65% लंदन में बसती है। वहां के लंदन में हम लोगों को वहां की सिटीजनशिप मिलती है, वहां के कायदे रूल्स रेगुलेशन वहां की सब कुछ हमें मिलता है। तो वो लंदन वाले तो हमारे देश के भी नहीं है, हमारे समाज के भी नहीं है, हमारे धर्म के भी नहीं है, और वहां पर हमने नागरिकता दे रहा है। और यहाँ हमारे यूपी से आए, महाराष्ट्र से आए, बिहार से आए, मध्य प्रदेश से आए, और हम लोग भी ऐसा सोचते हैं मगर हम बाहरी है। बाहरी क्यों है? हम भारतीय है। उनके मगज में एक भ्रम घुसा हुआ है कि मोदी जी के नाम से जीत जाते हैं। मगर हमें भी यार अब सोचना होगा, हमारे बच्चों का भविष्य का सोचना होगा। और इस बार ये वोट है ना मोदी जी और
उसके लिए नहीं है, ये वॉट है प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की तानाशाही के खिलाफ।